सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने नशा कर रखा था। एक रोज पहले बलूचिस्तान में हुए हमले में पाकिस्तानी सेना के 9 जवान मारे गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TJP यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली। इस आतंकी संगठन को TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना साथी बताता है, जिसके आतंकियों ने एक रोज पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर हमला कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले सभी आतंकी नशे में चूर थे। सूत्रों का कहना है कि नशे की हालत में ही उन्होंने वहां घुसकर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हमला बोलने वाले सभी आतंकियों को मार गिराया गया, जिनके पास से नशीली दवाइयां भी मिली। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के पास से नशीली दवाओं के अलावा अमेरिका से अफगानिस्तान आए हथियार भी मिले। बलूचिस्तान में हुए इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 9 जवान भी मारे गए। इस बीच आरोप है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नजरपुर में सना मेघवार नाम की हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। सना के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ यह हरकत इलाके के जमींदार इमरान शेख ने की। बताया गया कि यह घटना तब हुई जब सना अपनी मां के साथ बाजार से लौट रही थी और परिवार वालों के मुताबिक अचानक वहां करीब 6 लोग पहुंचे और सना को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। आरोप है कि इसके बाद उन लोगों ने सना के साथ मारपीट भी की। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी जमींदार इमरान शेख ने सना का धर्म बदलवाकर उसकी शादी अपने एक बेटे से करवाने की कोशिश की, जिसकी धमकी उसने कुछ दिन पहले ही दी थी। सना के परिवार के मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस ने न तो धमकी की खबर मिलने के बाद कोई एक्शन लिया और न ही सना को अगवा किए जाने के बाद कोई कार्रवाई की गई। उधर कंगाली से परेशान पाकिस्तान ने अमेरिका में दूतावास की पुरानी बिल्डिंग ही बेच डाली। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि उस बिल्डिंग को $71 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 57 करोड़ रुपए में बेचा गया, जिसे पाकिस्तान के ही एक कारोबारी ने खरीद लिया। पाकिस्तान कई महीनों से बुरी तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जो देश उसके साथ दोस्ती की पक्की कस्में खाते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। यही वजह रही कि पाकिस्तान को अमेरिका में अपने दूतावास की पुरानी बिल्डिंग को बेचना पड़ गया। बताया गया कि बेची गई इमारत का राजनयिक दर्जा भी 2018 में खत्म कर दिया गया था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उस बिल्डिंग को लंबे वक्त से बेचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उसे $71 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 57 करोड़ में बेच दिया गया।